शिवपाल यादव ने आज डीपी यादव के साथ हाथ मिलाते हुए एक नई पार्टी का कहिए या कई नई एक संस्था का गठन किया जिसको यदुकुल परिभाषा दी गई है। नाम नया सोच नया नेतृत्व नया तरीका इसकी टैगलाइन रखी गई है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह जी। सर, शिवपाल यादव ने अब अगर बात करें डीपी यादव के साथ हाथ मिलाया, डीपी यादव पश्चिम में एक बड़ा नाम है और शिवपाल भी जिस तरीके से अब काम कर, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कृष्ण ने लड़ाई लड़ी है हम भी लड़ाई लड़ेंगे। अच्छी बात है, लड़ना चाहिए, हर एक का अपना अधिकार है, लोकतंत्र है। लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से राजनीतिक वातावरण उत्तर प्रदेश का है और ख़ास रूप से राजनीतिक वातावरण जो सैफई परिवार का है, सैफई खानदान का, जिसमें तमाम नाती भतीजे बेटा सब लोग मिलकर के काफ़ी बड़ा कुनबा इकट्ठा हुआ, सबकी महत्वाकांक्षाएँ, सारे लोग अलग अलग अपेक्षाएँ रखते हैं राजनीति में, तो उसी का परिणाम है कि आज कुल में कहीं ना कहीं ये खींचतान की स्थिति है, उसी के सारे परिणाम हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जनता जात धर्म से दूर हट के विकास के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्र को मजबूती देने के लिए, उत्तर प्रदेश को चमकाने के लिए, उत्तर प्रदेश को बहुत आगे ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और ये कोई भी अलग अलग जो जिस नारों पर प्रयास किया ना, कोई चलने वाला नहीं है। चूंकि अगर बात करें 2024 का चुनाव नजदीक है और तकरीबन 10% के करीब यादव वोट बैंक है, तो क्या नजर यादव वोट बैंक पे है? यादव वोट बैंक क्या, मैं समझता हूँ जाति धर्म के आधार पर राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में भी, लोकसभा में भी और इस 22 के विधानसभा के चुनाव में भी हर वर्ग धर्म जात का वोट एक मुश्त मिला है। उसी का परिणाम है प्रचंड बहुमत के साथ 37 साल के बाद योगी 2 सरकार प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हुई है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आने वाले समय में 2024 में भी 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जनता डालेगी और हम जीत के आएंगे। सर, इस नए गठबंधन को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये नया गठबंधन काम कर पाएगा, शिवपाल यादव काम कर पाएंगे? देखते आइए, वक्त अभी तो लंबा है, जब तक लोकसभा चुनाव है कितने गठबंधन बनेंगे, कितने टूटेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देख रहे होंगे और प्रदेश स्तर पर भी जो सुगबुगाहट है, लेकिन अंतोगत्ता तो टाटा फिर से होगी। उत्तर प्रदेश नया करिश्मा दिखाएगा। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसी दूसरे की बोनी होने वाली लोकसभा के चुनाव में नहीं है, हम 80 की 80 सीट जीत के आएंगे। शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि जातिगत जनगणना कराना, ये केंद्र सरकार से भी अपील करेंगे और राज्य सरकार से भी करेंगे, कराना होगा सरकार। सरकार में थे तब तो कराना चाहिए ना, थे नहीं तो तब कहां थे ये सारे लोग? सरकार में थे 17 के बीच में खुद सरकार में थे, तब कराना चाहिए था, नहीं हुआ। अब विपक्ष में तो कुछ भी कहने में बड़ा आसानी होती है। एक सवाल और है, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बड़े संजीदा लग रही बीजेपी संगठन, खासतौर से पिछले हफ्ते की अगर करीब बात करें तो संगठन महामंत्री ने बैठक ली थी। आज संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों गाजियाबाद पहुंच के तमाम सारे क्षेत्रीय अध्यक्षों को बुला के वहां पे बैठक कर रहे हैं। क्या माना जाए कि पश्चिम से द्वार खोला जा रहा है लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा मिशन मूड में रहता है, इलेक्शन मूड में रहता है। चुनाव भी, एक चुनाव खत्म होता है अगली तरह, ये तो जमीन से लेके कार्यकर्ता से लेके ऊपर तक सारे कार्यकर्ता मिलके हमेशा संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को ताकत देने के लिए, घर घर तक अपनी अलग जगाने के लिए, घर घर तक अपनी नीतियों रीतियों को पहुंचाने का सतत रूप से प्रयास इसमें जारी रहता है और अविरल रूप से वही प्रयास जारी है। सर, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आज आदेश पारित किया जिसमें तमाम सारे जिलाधिकारियों को कहा गया है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करें, इसको लेकर कई लोग आलोचना भी कर रहे हैं। किसी को नियमित करना कहीं अन्याय हो सकता है क्या? वो अकेले मदरसों का विषय नहीं है, कहीं भी नियमितीकरण ये तो खुशी होनी चाहिए, उन्हें स्वागत करना चाहिए। उससे सहूलियत होती है अगले की योजना बनाने में, उससे सहूलियत होती है शैक्षिक योग्यता के आधार पर, नियम कानून के आधार पर, बच्चों को पढ़ाई अच्छी देने के नाम के आधार पर, या व्यवस्था अच्छी करने के नाम पर सरकार के सहयोग के लिए नियमितीकरण तो बहुत अच्छी बात है, इसका सहयोग करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल है, आप चूंकि पर्यटन मंत्री हैं, आपका विभाग तैयारी कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो तमाम सारे अन्य राज्यों के साथ सीमा लगे वहाँ पे प्रवेश द्वार बनाया जाए, क्या कुछ योजना है ये? उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, कई प्रदेशों की सीमाएं हमारे राज्य से जुड़ती हैं। हम प्रयास करेंगे कि जो मुख्य मार्ग किसी भी प्रदेश का जुड़ने वाला है उस पर स्वागत द्वार बना करके यात्री सुविधा के लिए, पर्यटकों की सुविधा के लिए हमारा विभाग वहाँ स्वागत द्वार के साथ साथ सारी पर्यटन के
पर्यटक के लिए अपेक्षित सारी सुविधाएं, वहाँ एक पेट्रोल पंप भी देंगे हम, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जर भी लगाएंगे, वहाँ गैस से LPG CNG वगैरह भी देंगे हम, उनके लिए ठहरने के लिए, उनके जन सुविधा के लिए सारी सुविधाएं देने का काम करेंगे और बहुत जल्दी ये उपलब्ध होंगे। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह, जिनका कहना है कि शिवपाल यादव कोई भी गठबंधन कर ले, बीजेपी इस बार 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतेगी और इसके लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। कैमरा धर्मदत्त के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।